जब सुबह 6 बजे दुकान पर आए तो देखा कि यहाँ पर आग लगी हुई है। तो मैंने फोनिकली कॉन्टैक्ट किया दुकानदार से कि आपकी दुकान में आग लगी हुई है, और मोहल्ले वाले भी यहाँ पर आए आग बुझाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। आग ने जो है पूरी दुकान को जला कर रख दिया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ दुकानदारों की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसका अभी कोई इतना पता नहीं चला कि किसकी वजह से आग लगी हुई है, लेकिन हमने बहुत ऐसा कोई मसला नहीं है कि पता नहीं है, ऐसा लगता है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है दुकान के अंदर, उसकी वजह से आग लग सकती है, लेकिन ऐसा कोई। सर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि एक दुकानदार जो होता है अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान पर बैठता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारी दरख्वास्त है कि इनको कुछ। सर एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील है कि गरीब दुकानदार को अपनी तरफ से कुछ मदद की जाए। हमें सुबह कॉल आई कि यहाँ पर हमारी दुकानों में आग लगी हुई है 6 बजे, तो बिहारी वालों ने बोला कि शायद कौन है जिसकी ये दुकान है उसमें आग लगी हुई है, ये काफ़ी गरीब बंदा है, देखो आप कोरोना भी है, कोरोना में ये बेचारा कहाँ जाएगा, पूरी लोन भी उठाया है, ये काफ़ी गरीब बंदा है, कम से कम 10 लाख तो इसने लोन लिया है, लोन अब ये कैसे चुकाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ आना चाहिए और चेक करना चाहिए कि दुकान का कितना नुकसान हुआ और उसको भरपाई भी करनी चाहिए। सर ये बहुत बंदा गरीब है, इसने लोन लिया हुआ है कम से कम 10-15 लाख का, तो ये कैसे चुकाएगा, इसकी पूरी दुकान जल चुकी है, क्योंकि हमारी अपील है DC साहब से कि इनकी थोड़ी मदद की जाए या इनका भरपाई की जाए। अभी तहसीलदार साहब से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि आज तो लॉकडाउन है, क्योंकि लॉकडाउन में कोई निकलता नहीं है, लॉकडाउन की वजह से तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हफ्ते में बंद रहती हैं दुकानें दो दो दिन सैटरडे संडे को, तो ये कहाँ से पैसे भरेगा। किसी साहब से ये अपील है हमारी कि हमारी इनकी मदद की जाए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया होगा इनकी मदद करेंगे तो, क्योंकि गरीब बंदा है कहाँ से 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगा और कहाँ से देगा ये। सर मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा छोटा भाई जो यहाँ दुकान कर रहा था वो काफ़ी उसने लोन वगैरह भी लिया, कोरोना का भी वक्त काफ़ी चला, मेरे DC साहब से यही अपील है कि हमारी मेंडर से भी होता। अच्छी मैं तहसीलदार साहब बालाकोट SDM साहब मेंडर और DC साहब से भी यही अपील करता हूँ कि हमारी यही अपील है कि हमारी ये जो नुकसान हुआ है इसकी कुछ ना कुछ मदद की जाए। हमारे पास तो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोई नहीं पहुंचा, लेकिन मीडिया वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने आकर हमारी ये सुनवाई सुनी और हमारे ये आंखों देखा हाल सब मीडिया ने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया है, मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इन्होंने भी इस वक्त तक सबसे पहले यही पहुंचने वाले हमारे पास यही आदमी हैं।